हे एवरी वन वेलकम टू साइंस हब दिस इज़ रोली वर्मा सो बेसिकली मैंने सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं एंड बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर रह गया था सो आई डिसाइडेड टू प्रोवाइड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर बिकॉज अगर आपने अभी तक बायो मॉलिक्यूल चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ पाए हैं टाइम नहीं बचा है तो आप ये सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको सबको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ओके सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द प्यूरिन बेसिस एंड मिडीन बेसिस प्रेजेंट इन और डीएनए बेसिस होते हैं साइटोसिन एंड यूरेसिल ये पिरा बेसिस होते हैं जो एडनिन एंड ग्वानिन है ये आर एन ए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं साइटोसिन भी दोनों में प्रेजेंट होता है बट जो थाइमीन होता है ये डीएनए में होता है एंड यूरेसिल आरएनए में होता है ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिफरेंसेस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स ओके एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं ये वाटर में इनसॉलेबल होते हैं बट ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाटर में सॉलेबल होते हैं जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका डिफिशियंसी ऑफ विथ विटामिन कॉज दी फॉलोइंग डिजीज स्कर्वी होती है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की वजह से एंड हेमोरेज ड्यू टू विटामिन के ओके सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन इज हीटेड विथ टॉलेंस रिएजेंट हमने ग्लूकोज लिया ठीक है ए जी टू और टॉलेंस रिएजेंट लिया हमने उसको हीट किया जिससे हमें ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म हुआ ओके टू ए जी यानी सिल्वर मिरर जो कि टेस्ट ट्यूब की जो साइड्स होती हैं उस पर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बी आर टू और एच टू के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं वी इट ऑक्सीडेशन जिससे हमें ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है ये है आपका ग्लूकोनिक एसिड ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट द पी एच एट विच मॉलिक्यूल कैरीज नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की इफेक्ट ऑफ डी नेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता क्या है देखिए डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक इिवर्सिबल चेंज है इन विच प्रोटीन गेट प्रेसिपिटेटेड वेन हीटेड विद एल्कोहल ओके तो होता क्या है जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं एंड दियर हेलेक्सिस गेट अनक्वाइल्ड

आर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैं ये फंक्शनल आइजोमर्स हैं ओके फंक्शनल आइजोमरिज्म शो करते हैं सो द क्वेश्चन नंबर टेंथ इज़ नीम द फंक्शनल ग्रुप कॉमन टू बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ऐसा आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों में होता है सो अल्कोहल ग्रुप आपको दोनों में देखने को मिलेगा एंड क्वेश्चन नंबर इलेवन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नीम द फंक्शनल ग्रुप दैट डिफर मतलब जो डिस्टिंग्विश करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को सो ग्लूकोज में आपने एल्डिहाइड ग्रुप देखा होगा एंड फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल है आपका वॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स रिड्यूसिंग शुगर आपकी होती है माल्टोज एंड लैक्टोज ओके नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आपकी होती हैं सकरोज एंड ट्री हेलोस बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज वॉट आर फैट सोलेबल विटामिन फैट सोलेबल विटामिन होती हैं आपकी ए डी ई एंड के एंड वॉटर सोलेबल विटामिन होती हैं आपकी सी एंड ऑल बी विटामिन बी विटामिन जितनी भी होती हैं बी नाइन बी ट्वेल्व सारी ओके okay? क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है आपका व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आई थिंक लास्ट एन ईयर में एक दो बार रिपीट हुआ है सो एमाइट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग एन अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अ कॉर्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड ठीक है मैंने यहाँ पे जो ग्लाइसिन लिया है ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं जिनको मैंने कंबाइन किया है जहाँ से एच टू वो निकला है ठीक है एंड ये कंबाइन होकर कंपाउंड बना है एंड ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आप बायो बायोमोलिक्यूल चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं डिटेल में नहीं उसको पढ़ पाए हैं नहीं प्रिपेयर कर पाए हैं सो आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग